मंदार हिल। बिहार का एक जिला बांका के एक छोटे से शहर मौसी में स्थित एक पहाड़ जो 700 से 750 फीट ऊंचा है। सिर्फ एक पत्थर पर खड़ी ये पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर का है। इसी पर्वत का नाम मंदार हिल है। दुनिया की शायद ही कोई इतनी ऊंची पर्वत हो जो सिर्फ एक पत्थर पर खड़ी हो। इस पहाड़ के ऊपर एक जैन मंदिर बना हुआ है जो दूर से भी दिखता है। ऊपर तक पहुंचने के लिए पत्थर को काटकर सीढ़ी बनाई गई है और उन सीढ़ियों के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगाई गई है। एक ही मर्तबा में ऊपर तक कोई चढ़ नहीं पाता, लेकिन इस पर्वत ने उसका भी इंतजाम किया हुआ है। पहाड़ के बीच में एक सपाट जगह है जहाँ बहुत से पेड़ पौधे और उसी जगह एक तालाब भी है जिसमें हमेशा पानी मौजूद रहता है। वहीं पर कई गुफाएं भी हैं और उसी जगह पर कई प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पहाड़ पर नीचे से ऊपर तक एक लिफ्ट भी लगाई गई है जो इस पहाड़ के शिखर तक पहुंचती है। साथ ही पैदल चढ़ाई करने वालों को हजारों की तादाद में छोटे छोटे लगभग हर चीज़ की दुकान भी मिल जाएगी। पर्यटकों के ठहरने की सुविधा मंदार पर्वत से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ मौसी में कई होटल्स, लॉज और धर्मशाला भी मौजूद है। मौसी में हर चीज़ की सुविधा मौजूद है। पर्यटक जो भी चीज़ चाहें उन्हें वो मौसी में मिल जाएगी। इस पहाड़ पर आने के लिए 1 जनवरी से 30 जनवरी का वक्त सबसे अच्छा है। भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित मंदार हिल में हर साल 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच लाखों लोग आते हैं। इन दिनों के अलावे भी हर दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन 1 जनवरी को आने का मकसद नए साल का जश्न होता है और इसके अलावा 13 और 14 जनवरी को एक पर्व मकर संक्रांति मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ इन्हीं दिनों में होती है। हिंदू धर्म में मंदार पर्वत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म के मुताबिक जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो मंदार पर्वत को मथनी और उस पर वासुकी नाग को लपेटकर रस्सी का काम लिया था। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक मेला भी लगता है जो करीब 15 दिनों तक चलता है। ये मेला 13 जनवरी से 20 जनवरी तक होती है। मंदार पर्वत से लोगों की आस्थाएं कई रूप से जुड़ी हुई हैं। हिंदुओं के लिए यह पर्वत विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर वासुपूज्य से इसे जुड़े हुए मानते हैं। आदिवासियों के लिए यह मंदार पर्वत एक सिद्धि क्षेत्र है जहाँ वे हर साल 13 जनवरी की रात में रात भर राम लक्ष्मण की साधना करते हैं। यह सबसे बड़ा संथाली मेला है जहाँ हर साल रात भर के लिए 1 लाख से अधिक लोग जो सफा संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वो आते हैं। इस संप्रदाय को बाबा चंद्रदास ने बनाया था। बौसी में इन दिनों मेला भी लगता है। बौसी में लगने वाले प्राचीन बौसी मेले को अब राजकीय मेला का दर्जा भी मिल चुका है। मंदार पर्वत की चट्टानों पर सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, ध्वस्त चैत्य और धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ें मौजूद हैं। भारत के लगभग हर राज्य से साल भर जैन मतावलंबी मंदार पर्वत पर आकर अपने तीर्थकर के चरण स्पर्श करते हैं। मकर संक्रांति के दिन 13 जनवरी से जो मेला लगता है उसकी एक वजह मंदार पर्वत के नीचे एक तालाब है जिसका नाम पाफरनी है। मंदार पर्वत के नीचे उस तालाब में जिसका नाम पाफरनी है वहाँ लोग लाखों की तादाद में आकर इस तालाब में मकर स्नान करते हैं। लोक मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करते हैं, जगह जगह जल रही आग का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं। दही चूड़ा और तिल के लड्डू विशेष रूप से खाए जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य भी लुभावनी है। उस तालाब के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। लोग सालों भर यहाँ पर उसके दर्शन के लिए आते रहते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक मंदार पर्वत की अधिकांश मूर्तियाँ उत्तर गुप्त काल की है। उत्तर गुप्त काल में मूर्ति कला की काफ़ी उन्नति हुई थी। मंदार के सर्वोच्च शिखर पर एक मंदिर है जिसमें एक प्रस्तर पर पद चिन्ह अंकित है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हमेशा नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।